वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं एक सीक्रेट रूम में जाऊं जिसके अंदर घुसते ही एक प्यारी सी दुनिया हो। मैं किसी भी ऐसे दीवार में बाबू जी का घंटा। मैं आज खुद का सीक्रेट रूम बनाने वाली हूँ, वो भी पब्लिक में। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं कार्डबोर्ड से अपना रूम बनाऊंगी, फिर मुझे याद आ गया कार्डबोर्ड चैलेंज में मेरे साथ क्या हुआ था, तो मैंने बात की कुछ प्रोफेशनल से। भैया को कैसे समझाऊंगी मैं उल्लू, मुझे अजीब वो गरीब चीज चाहिए। ये बन जाएगा, जान दे देंगे इसके लिए। Much, much, much later. ये रहा मेरा सीक्रेट बॉक्स जिसे मैं पब्लिक में ले जाने वाली हूँ। यार अगर मैं इसे ऐसे पब्लिक में ले जाऊंगी ना तो किसी को नहीं लगने वाला है कि ये सीक्रेट रूम है, तो मैं इसे कवर करने वाली हूँ अपने इनविजिबिलिटी क्लोथ से। तो गाइस आप देख रहे हो ये कितना मस्त इनविजिबल हो गया है ना, किसी को कानो कान और आंखों आंख खबर नहीं होगी कि इसके अंदर हमारा सीक्रेट रूम है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें एक चीज चाहिए, मैं वो लेके आती हूँ। ओके यही रहना आप। रूम से जाते ही मेरे साथ एक ऐसी चीज हुई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डोरेमोन की चचेरी बहन मेरे रूम में आती है और मेरा इनविजिबल क्लॉथ चोरी करके भाग जाती है। गाइस मेरा इनविजिबल क्लॉथ किसने चोरी कर लिया है? यार 50 रुपए काटो मेरी सस्ती एडिटिंग की। यार मजाक से हट के मुझे सच में कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं पूरी तरीके से कवर कर सकूं, ताकि वो आसपास की चीजों में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि यार ये अभी तो नॉर्मल बॉक्स लग रहा है। मैं निकल गई बाहर इस तलाश में कि आखिर क्या है ऐसा जो हमारे एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। तो मुझे अचानक से दिखी झाड़ियाँ। भाई झाड़ियाँ हर जगह होती हैं, तो मैंने डिसाइड किया मैं कवर करूंगी अपने सीक्रेट रूम को फेक ग्रास से। मैं ज्यादा नहीं हो गया बकरी? तो गाइस मेरा सीक्रेट रूम अच्छी तरीके से ग्रास में कवर हो गया है, इसमें अब हम मस्त आराम कर सकते हैं। और गाइस जैसा कि आपको पता है मैं एक इंसान हूँ, मतलब लगता नहीं है वो अलग बात है, तो मुझे ना सांस लेने के लिए यहाँ पे देखो बहुत सारी होल्स भी की गई है। ओह माय गॉड वो लड़की झाड़ी में से निकल के आ गई। ऐसा मुझे लोगों का रिएक्शन चाहिए। और मैं फिर जा रही हूँ फिर झाड़ी में छुप जाने। और गाइस ये सीक्रेट रूम ना बिल्कुल मेरे साइज का ही है, देखो। अबे यार साइज का तो है लेकिन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और ना ही इसमें कोई लाइट्स है। गाइज मेरे पास ये चार्जेबल बल्ब जो मैं इसमें लगाने वाली हूँ, क्योंकि यार सीक्रेट रूम को ना पब्लिक में ले जाने वाला हूँ और वहाँ मुझे जगह जगह इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी नहीं जो मैं इलेक्ट्रिक बल्ब लगा पाऊंगी, तो हम ना इसे यहाँ पे ऐसे फिक्स कर देते हैं। गाइज कौन कौन दिवाली के लिए एक्साइटेड है कमेंट में दिया कमेंट करो। मेरे इतने सारे फैंस है गाइज, लेकिन आज मेरा एक छोटा सा फैन मुझे हेल्प करने वाला है, ये वाला। आप सोच रहे होंगे कि मेरे सीक्रेट रूम को ढूंढेगा कौन, इसे मैं टेस्ट कैसे करूंगी, तो वीडियो देखते जाओ पता चलेगा आपको। तो गाइज मेरा सीक्रेट रूम बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हो गया है, चिप्स वाले कुशन्स हैं ताकि अगर मेरे चिप्स वगैरह खत्म हो जाए तो मैं कुशन को ही खाने लग जाऊं। तो गाइस चलो अब अपने मिशन को अंजाम देते हैं, अपने सीक्रेट रूम को हमें पब्लिक में ले जाके रखना है जो कि बहुत बड़ा टास्क है। तो यार इसे हमने पब्लिक में रख तो दिया है लेकिन मुझे लगता है ना कि इसमें भी थोड़ी बहुत ऊपर से फिनिशिंग की जरूरत है, क्योंकि यार ऐसे ये रेक्टेंगुलर शेप में घास आपने कहीं देखा है? नहीं देखा ना, गजब बेइज्जती है। तो यार मैं ना और इसे पत्तों से अच्छे से कवर करने वाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा ना मिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से। यार गजब लग रहा है, गजब यार, कोई कह ही नहीं सकता इसके अंदर हमने सीक्रेट रूम बनाया यार। सही बात है। इससे पहले कि मुझे इस दुनिया वाले लोग देख ले मैं जा रही हूँ अपने दुनिया में अपने सीक्रेट रूम में। मैंने अगल बगल काफी देर तक देखा और सही मौका मिलते ही मैं घुस गई अपने सीक्रेट रूम में। और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसके बारे में पता है या फिर कोई सोच सकता है कि इन झाड़ियों के बीच में एक सीक्रेट रूम है। हमारे बड़े बुजुर्गों की नजर बहुत तेज होती है, अगल बगल कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले उनकी नजर जाती है। अगर इन अंकल ने मेरे सीक्रेट रूम को देख लिया तो मैं तो गई। नहीं देखा, ये बच गई।
अंकल से तो बच गई बट सामने से एक आंटी आ रही है और मेरे बहुत करीब से वो जा रही है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी देख लिया ना तो समझ लेना। नहीं देखा, उन्होंने कैमरे में देखा बट मैंने सीक्रेट रूम को इग्नोर कर दिया। यार मैं क्लियरली सुन सकती हूँ बाहर के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब बाहर क्या चल रहा है मैं फील कर सकती हूँ। अंदर बैठे बैठे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे ना थोड़ा धीरे बोलना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं बोल रही हूँ धीरे बोलना, ऊपर से अंदर चिल्ला भी रही हूँ। बहुत गर्मी हो गई, सबसे पहले मैं फैन ऑन करूंगी। यार फैन छोटा सा है लेकिन हवा मस्त दे रहा है। हाथ ना कट जाए मेरे, हाथ नहीं कटेगा, मैं सिर्फ प्लास्टिक का। बाहर चल रही थी बहुत अच्छी वाली हवा अस्त्र, तो मैंने भी उठाया अपना मोबाइल अस्त्र और चलाने लगी। यार मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर इसमें सो जाऊँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि कोई अचानक से आके दरवाजा ना खोल दे या फिर कोई ना भेड़िया मेड़िया मत खुल जाए। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। कभी मेरे जस्ट बगल से कोई जा रहा है। सोच रही हूँ ना मैं अंदर से थोड़ी बहुत आवाजें निकाल के कुछ लोगों को डर रहा हूँ। आमी मंजरिका सांस लेने के लिए बनी थी लेकिन उसी होल से मच्छर आके मेरी चैन की सांस ले ले रही है। हाँ यार मुझे आज पता चला मेरी आंखें ब्राउन है। इमेजिन करो ये सीक्रेट रूम मैंने यही छोड़ दिया और ये किसी को मिल जाए तो उसका रिएक्शन क्या होगा। यार मुझे अभी रियलाइज हुआ कि 24 आवर चैलेंज तो है नहीं, तो मैं मच्छरों का टॉर्चर क्यों सह रही हूं। चुप चुप चुप। मैं बहुत स्वीट हूँ गाइस, राधे काट ले जितना काटना है, मैं भी काटूंगा जब अगले जन्म में मच्छर बनूंगा तो। नहीं मुझे मच्छर बनने का शौक नहीं है लेकिन हमारा सीक्रेट रूम अभी कैसा लग रहा है कि खुजली की बीमारी है, मुझे मच्छर काट रहा, समझो बात को। यार हमारा सीक्रेट रूम पब्लिक में है और इतने सारे लोग यहाँ से गए और उन्होंने नोटिस तक नहीं किया तो हमारा सीक्रेट रूम पास होता है। लेकिन आपके विचार मैटर करते हैं तो आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये सीक्रेट रूम रियलिस्टिक लगा या नहीं लगा। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं इससे भी खतरनाक कोई सीक्रेट रूम फिर से पब्लिक में बनाऊँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस, साले बताती हूँ। अरे अरे क्या कह रहे हो, ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं देखी तो क्लिक कर।